कोरोना के प्रकोप से दुनिया अभी तक उभरा भी नहीं है कि एक और नए वायरस की सूचना हमें मिलने लगी है सोशल नेटवर्किंग के जरिए। जी हाँ, मैं हंता वायरस की बात कर रहा हूँ। और ताजुब की बात यह है कि यह भी चाइना के हुवेई प्रांत के वुहान शहर से ही सामने आ रहा है। यार चाइना वालों, तुम जिंदा ही क्यों हो? लोगों पे आफत बनकर टूटने के लिए? खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन आपको बता दूं कि यह वायरस जो है कोई नया नहीं है। एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट बहुत पहले भी देखने को मिला था, जिससे बहुत सारे अमेरिकी सैनिक इससे अफेक्टेड हुए थे और जिनमें से लगभग 17% लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी जो इससे अफेक्टेड थे। खैर वैज्ञानिकों के माने तो यह वायरस उतना आक्रामक नहीं है जितना कि अभी रौद्र रूप कोरोना का देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें इससे संपूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। और आपको बता दूं, इसका फैलाव चूहों से या फिर गिलहरियों से होता है, और किसी भी चूहे या गिलहरियों के सीधे संपर्क में आने से यह नहीं होता। या तो वे किसी चीज़ को कुतर के गिरा देते हैं, उसे छूने के बाद इसका संक्रमण हमारे हाथों में आता है और हाथों के थ्रू हमारे नाक कान मुंह से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सो हर एक बीमारी का एक ही मर्ज है, सावधानी, सतर्कता। आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा दुनिया में तरह तरह के वायरसेस हैं जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। सो कृपया पैनिक ना हो और अपने स्थानीय सरकार की पूर्ण रूप से सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।